समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। मार्ग शीर्ष मास शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2023 में मार्ग शीर्ष मास शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और यह व्रत आपको किस विधि से करना चाहिए और इसकी पावन व्रत कथा भी आपको हम सुनाएंगे, जिसको श्रद्धा पूर्वक सुनने से इस व्रत का पूरा पूरा फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका पूरा फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो भगवान विष्णु जी की कृपा और पुण्यों का संचय करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। व्रत और उपवास में बहुत अंतर होता है। किसी भी व्रत में प्रचलित परंपरा के अनुसार सागर फलाहार आदि लिए जा सकते हैं, परंतु उपवास अधिकतर निराहार किया जाता है। तो त्रिस्पर्शा और पक्षवर्धिनी एकादशी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण और फलों को देने वाली मानी गई है। इसी प्रकार यदि दशमी तिथि को दिन में या रात में एकादशी तिथि हो तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना उत्तम माना गया है। भगवान महादेव ने पक्षवर्धिनी एकादशी का महत्व श्री नारद जी को सुनाया था कि यदि अमावस्या अथवा पूर्णिमा 8 दंड की रहे और दिन रात अविकल रूप से रहे तथा दूसरे दिन प्रतिपदा में कुछ अंश चला जाए तो उस पक्ष की एकादशी को पक्षवर्धिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत अधिक पुण्य और फलों को देने वाला माना गया है। तो जो भी भक्त श्रद्धालु स्त्री पुरुष पक्षवर्धिनी एकादशी का महात्म्य सुनते हैं या पढ़ते हैं वे उस पुण्य के भागी होते हैं। इस पक्षवर्धिनी एकादशी के समान ही त्रिस्पर्शा एकादशी का वर्णन किया गया है। यदि किसी एक तिथि के दिन एकादशी और द्वादशी तिथि भी हो तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी तिथि आ जाए तो ऐसी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी तिथि कहलाती है। इसका व्रत करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रकारों के अनुसार व्रत का स्तर अलग अलग प्रकार से बताया है। आप अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो आप कर सकते हैं। सबसे पहला बताया है निर्जल व्रत, दूसरा है उपवास व्रत, तीसरा केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध आदि पेय पदार्थ इसमें ग्रहण करना होता है, और चौथा व्रत है नक्त व्रत, यानी दिन भर उपवास रख करके रात्रि में इसमें फलाहार लिया जाता है। तो एक भुक्त व्रत किसी भी समय एक बार फलाहार इसमें करना होता है। तो अशक्त वृद्धजन बालक और रोगी जो भी रोगी हो जो व्रत नहीं कर सके यथासंभव अन्न आहार का परित्याग तो एकादशी तिथि के दिन कर ही देना चाहिए। तो वर्तमान समय में सांसारिक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग विलास आनंदपूर्ण जीवन की ओर अधिक रहती है, अतः इस मनोवृत्ति को सीमित करते हुए और सत्कर्म में ईश्वर की आराधना में नियमित संलग्न रहना भी सभी व्रतों का ध्येय हो जाता है। अपनी लगन परिश्रम और ईमानदारी से दैनिक कार्यों को धर्म और कर्तव्य परायणता से करते रहना चाहिए। मन वचन और कर्म से मन में भगवान श्री हरि को साक्षी मान करके अच्छे कर्म ही करना एकादशी के धार्मिक व्रतों के उद्देश्य में अंतर्निहित है। इसी से सामाजिक मान प्रतिष्ठा प्रसिद्धि यश और संपन्नता में वृद्धि होती है। तो एकादशी व्रत का विधान इस प्रकार से है, एकादशी को प्रातःकाल पवित्रता के लिए स्नान करना चाहिए, फिर संकल्प की विधि के अनुसार आगे कर्म करना चाहिए और दोपहर को भी संकल्प के अनुसार स्नान करने से पहले बदन पर मिट्टी आदि का लेप करें और इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व रथ वाहन आदि चला करते हैं, भगवान विष्णु जी ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नापा था, तो हे मृतिके, मैंने पूर्व काल में जो भी पाप कर्म किए हैं मेरे उन पापों को दूर करने की आप कृपा करें।
तो शास्त्रों के अनुसार दशमी की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशियों के व्रत का पूरा फल मिल जाता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं उनको व्रत का आधा ही फल मिलता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं रात्रि जागरण नहीं करते हैं उनको एकमात्र एक चौथाई फल मिलता है। जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना महापाप होता है। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान हरि की पूजा करके रात्रि को दीपदान भी करना चाहिए। तो व्रत वाले दिन दीपदान करने का विशेष महत्व है। यह सब कार्य जो है लोभ मोह का परित्याग करके सत्कर्म भाव से करना चाहिए। इस दिन रात्रि को स्त्री सहवास नहीं करें यानी पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। यह व्रत मिथ्याभाषी यानी झूठ बोलने वाले चोर पाखंडी परिस्त्रीगामी को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। भक्ति युक्त होकर के रात्रि में जागरण करें। अपनी अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि देवें प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। तो जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं ठीक वैसा ही शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को पहले भोजन करवाना चाहिए। जो जैसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण को भोजन के निमित्त कच्चा सामान सीधा सामान मंदिर में सुपात्र योग्य ब्राह्मण को थाली में सजा करके देना चाहिए। हरिवासर में कभी इस व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत के करने वाले मनुष्य यदि सभी नियमों का पालन कर सकें तो वह व्रत उन्हें पूर्ण फलदायी सिद्ध होता है। तो इस वर्ष 2023 में मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी का व्रत दिनांक 23 दिसंबर 2023 शनिवार के दिन रखा जाएगा और इसका पारण अगले दिन यानी 24 दिसंबर को प्रातःकाल 6 बजे से आरंभ होकर के प्रातःकाल 8:30 के मध्य इस व्रत का पारण आपको करना चाहिए। तो मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की श्रद्धा पूर्वक धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके अंत में आरती उतारें और मोक्षदा एकादशी की यह पावन व्रत कथा सुने तभी इस व्रत का पूरा फल मिलेगा। तो कथा इस प्रकार से है। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा गया है। यह अनेक पापों का हरण करने वाली तिथि होती है। इस दिन भगवान श्री दामोदर विष्णु का पूजन भक्ति भाव सहित तुलसी की मंजरी डाल करके नैवेद्य धूप दीप जला करके करना चाहिए। इस व्रत में दशमी एकादशी के निश्चित नियमों का पालन करें। इस मोक्षदा एकादशी के व्रत उपवास में के प्रभाव से नरक में गए हुए पूर्वजों बंधु बांधवों माता पिता आदि को भी पुनः स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। तो प्राचीन काल में चंपक नामक एक नगर था। उसमें वैखासन नामक एक राजा राज्य करता था। उसके शासन में चारों वेदों के ज्ञाता अनेक बुद्धिमान ब्राह्मण भी रहते थे। तो एक दिन रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने माता पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। उनको नरक में देख करके वह बड़ा दुखी हुआ। विद्वान ब्राह्मणों को सभा में बुला करके उन्हें स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। तो हे विद्वान ब्राह्मणों, मैंने रात्रि को स्वप्न में अपने माता पिता को नरक में दुखी होते हुए देखा है। बार बार रोते हुए नरक से मुक्ति दिलवाने के लिए मुझसे कह रहे थे। तो हे पुत्र, हमारा उद्धार करो। वे वहाँ पर अत्यंत बेचैन और दुखी हैं। तो हे ब्राह्मणों, इससे मुझे महान कष्ट हो रहा है। अतः मेरे माता पिता को मुक्ति के लिए जो भी जप तप दान नियम व्रत आदि करना हो कृपया बताने का कष्ट करें। तो शास्त्रों का कथन है कि ऐसा ही एक पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों के काम आता है सेवा करता है अनेक पुत्रों से वह श्रेष्ठ कहा गया है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ से कुछ दूरी पर ऋषिराज पर्वत पर मुनि का एक विशाल आश्रम है। वे त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। वे आपकी समस्या का भली भांति समाधान कर सकेंगे। वे आपके समस्त दुखों का निवारण करके अवश्य ही कोई उपाय आपको बताएंगे। तो वैखासन नरेश शीघ्र ही ब्राह्मणों के साथ मुनि के आश्रम पर गए। आश्रम का वातावरण बहुत ही शांत था। वहाँ अनेक ब्राह्मणों विद्वानों और ऋषियों को तपस्या में लीन देखा। राजा ने पर्वत मुनि व अन्य ऋषियों को साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिराज ने राजा से सातों अंगों की कुशल क्षेम पूछ करके आने का कारण पूछा।
तो राजा ने पर्वत मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सर्वत्र शांति है। राजा, मंत्री, राष्ट्र, क्रिया, खजाना, सेना और मित्र वर्ग, ये सभी राज्य के सातों अंग सकुशल है, परंतु एक रात्रि मैंने स्वप्न में अपने माता पिता को नरक में बहुत दुखी देखा है। वे नरक से मुक्त होने के लिए मुझसे दुखी होकर के प्रार्थना कर रहे थे, अतः नरक से उनकी मुक्ति किस पुण्य के प्रभाव से हो सकेगी, कृपया उसका उपाय बतलाने की कृपा करें। यह सब सुनकर के पर्वत मुनि ध्यानस्थ हो गए, ध्यानमग्न हो गए। ऋषिराज ने दिव्य दृष्टि से राजा के पितरों द्वारा किए गए कुकर्मों का हाल जान लिया और राजा से बोले कि हे नरेश, आपके पिता ने पूर्व जन्म में द्वेष के कारण सौत के कहने पर अपने कामातुर दूसरी रानी को मांगने पर भी ऋतुदान नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिताश्री आज नरक को भोग रहे हैं, अतः हे नरेश, उनकी मुक्ति के लिए अब तुम मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत आप अपने परिवार जनों के सहित विधिवत उपवास का नियम पालन करें और उससे प्राप्त पुण्य फल को अपने माता पिता या पूर्वजों को देने का संकल्प अर्पित कर देवें। उसके पुण्य प्रभाव से आपके माता पिता तथा पूर्वजों को नरक से छुटकारा मिल जाएगा और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। मुनि के वचन सुनकर के राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधिवत व्रत किया। उसी व्रत के उपवास के पुण्य प्रताप से राजा ने अपने पिता को उसके पुण्य को अर्पित करके संकल्प छोड़ दिया। उसी पुण्य के प्रभाव से राजा के माता पिता को नरक लोक से मुक्ति मिली और वे अपने पुत्र से बोले कि हे पुत्र, तेरा कल्याण होवे, यह कह करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। तो यह जो कथा है ब्रह्मांड पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से है, इस दिन बिल्व पत्र का सागार लेना चाहिए और इस व्रत में दूध, फल व सिंगाड़े के आटे से बने हुए पदार्थ आप ले सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर मिलेंगे।